thank mm -hmm. you नमस्कार मैं नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर बेंगलोर से अजय बोल रहा हूँ सात तारीख को हमारा पहला एजुकेशन सेमिनार हुआ था जब आपने थोड़े बहुत बेसिक्स देखे जो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको समझने के लिए बिकॉज दिज आर ऑल रिसर्च बेस्ड तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बेसिक समझें एंड जस्ट इन्श्योर कि ये जब बेसिक्स हमको समझ में आए तो उसको प्रोडक्ट रिलेटेड हमको कैसे समझना है और हमारे प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग uh, में वो बहुत ज़रूरी है दैट्स वाई दीज आर ऑल वेरी वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको सबको समझे जिन लोगों ने मिस किया है सात तारीख को जो ट्रांसमिशन नहीं देख पाए वो अभी भी आप YouTube में जाके उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं ताकि आपको एक लिंक मिले कि उसके बाद प्रोडक्ट्स की शुरुआत होती है तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रोडक्ट और उसके लिए मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देता हूँ ये एक कंस्ट्रक्शन स्टेज पे एक बिल्डिंग है आप देखोगे नीचे कुछ फिनिशिंग हो गया है ऊपर में फिनिशिंग हो रहा है ये दूसरा एक स्लाइड आप देखोगे तो इसमें देखेंगे कि ये बिल्डिंग पूरी गिर गई है जो कंस्ट्रक्शन फ़ेज में थी अब ये क्यों हुआ इसका जब हम विश्लेषण करेंगे और अंदर में जाएंगे तो हमारे बॉडी के साथ रिलेट करेंगे कि जब आपका ढांचा यानी जो पिलर्स है जो स्टील उसमें यूज किया था बिल्डिंग में उस वो अगर पक्का ना हो सीमेंट ठीक ना हो रेती उसमें जो डाली है वो ठीक ना हो तो ये सारा जब अंदर से बिल्कुल खोखले जैसा हो गया था तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकी सिमिलरली हमारी जो बॉडी है वो स्केलेटन इस तरह से दिखता है लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे कि इट इज़ विदाउट एनी मसल्स यू कैन सी कि इस तरह से हम दिखते हैं अगर मसल ना होते तो हम कैसे दिखते हैं आप इसको देख सकते हो और राइट हैंड साइड में कुछ मसल्स आई हुई है तो जब हमारा ढांचा मजबूत ना हो तो हम ढंग से फंक्शन नहीं कर सकते ढंग से चल नहीं सकते हमारा काम नहीं कर सकते इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्केलेटन जो है जो हमारा पूरी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इतना पक्का हो और वो तभी पक्का होगा जब हमारे बोन्स पक्के हो यानी बोन्स फॉर्म दी स्केलेटल सिस्टम और इसके लिए बोन्स के रिलेटेड हमको अभी देखना है कि हम उसको कैसे मजबूत रखें अगर हमने मजबूत नहीं रखा तो हम कैसे करेंगे इस तरह से दिखेंगे कि सर पे हाथ बैठ के रखे बैठे रहेंगे कि क्या हो गया मैंने अगर मेरी बोन्स की केयर ली होती पूरे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड अब जब हम चलते हैं फिरते हैं आराम से सब कुछ काम कर रहे हैं तो हमें उसकी परवाह नहीं होती कि ये हमारे अंदर के जो बोन्स हैं आज पक्के हैं जो युवा अवस्था में होते हैं पैंतीस चालीस पचास तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके बाद जब वो आवाज़ देने लगते हैं ना जब घुटने दर्द करने लगते हैं हाथ दर्द करने लगता है आपकी गर्दन आ, कुछ आपको तकलीफ देना शुरू करता है तब समझ में आता है कि यार मेरे बोन्स ठीक नहीं है अब बोन्स ठीक इसलिए नहीं है कि हमने बचपन से उसकी केयर नहीं की वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो मेरे लिए काम करने ही वाले इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बोन्स एंड दैट इज़ वाई

तो नया बोन जो बनते रहता है और कुछ कुछ सेल्स जाते हैं फिर नए आते हैं और बोन्स को मजबूती देते रखते हैं दे के रहते हैं तो उस तरह से उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कैल्शियम और कैल्शियम जब ठीक हो कैल्शियम की मात्रा सही हो और सही वाला कैल्शियम अगर हमको मिल रहा है तो हमारे बोन बिल्डिंग में उसका बहुत महत्व होता है जस्ट मोमेंट मैं एक सेकंड में इंस्ट्रक्शन देता हूं। आ, अमर Uh, will you please tell somebody to be a little uh, आवाज थोड़ी आ रही है बाहर से तो be careful on that नहीं no, it doesn't matter people are listening to this it is perfectly okay <laughs> हमारे स्टूडियो के बाहर थोड़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी तो मैं उधर अभी लोगों को कह दिया कि थोड़ी आवाज़ कम करो भाई साउंड प्रूफ तो है फिर भी आवाज़ तो आती है कभी कभी कुछ ज़्यादा ही चिल्लाएं तो आवाज़ आती है ओके डजेंट मैटर नौ पीपल अंडरस्टैंड की ट्रांसमिशन इज गोइंग ऑन ऑलराइट, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट कैल्शियम वाइटल मिनरल है आपको जैसे बोला नए बोन के लिए और ये हमारे बॉडी में प्रिपेयर नहीं होता तो जो चीज़ें हमारे बॉडी में प्रिपेयर होते रहती है वो हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन जब हमको कैल्शियम जैसे मिनरल जो बॉडी नहीं बनाती हमको सप्लीमेंट के थ्रू या हमारे डाइट के थ्रू प्रॉपर डाइट के थ्रू मिलना बहुत जरूरी है डायटरी कैल्शियम का रोल क्या है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बोन मिनरलाइजेशन जिसको कहते हैं हम बोन मिनरल डेंसिटी यानी अंदर से उसको ताकत देना आप जो नॉन वेजिटेरियन से वो जानते हैं कभी कभी जो जब बोन्स वो चबाते हैं तो बड़े तकलीफ़ होती है टूटता नहीं है मतलब उसका बड़ा कड़क बोन होता है सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे ही है कि जब अंदर से मिनरल डेंसिटी बहुत अगर स्ट्रांग हो तो देन इट इज़ अ वेरी स्ट्रांग बोन और उसकी इस मिनरलाइजेशन यानी कैल्शियम का उसमें बोन के अंदर डिपॉजिट होना वही स्केलेटन को अपने मजबूती देता है इसीलिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है कई सारी क्लिनिकल ट्रायल्स की गई है जिसमें देखा गया है कि वो प्रोडक्ट जैसे कैल्सीडी मैक्स जिसमें कैल्शियम इस तरह का हो जो अपने बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी हो और जिसकी बायोलेबिलिटी बहुत अच्छी हो तभी आपको वो कैल्शियम सही मात्रा में मिलता है ये एक आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो एक नीचे के जो पिंक साइड है पिंकिश रेडिश जो है उसमें वीमेन की बोन आ, हेल्थ के बारे में वहाँ लिखा गया है और साइड में लिखा है कि जैसे हमारे इसमें मात्रा जो होती है ना कैल्शियम की करीब करीब बोन्स में वीमेन के वो हाईएस्ट होती है जबकि वो 45 साल की उम्र तक के पहुँचते हैं जो हाई सबसे हाईएस्ट दैट इज़ अबाउट 1.25 पॉइंट टू फाइव किलोग्राम्स यानी वन टू फाइव ज़ीरो ग्राम्स यानि सवा किलो उनके पूरी शरीर का अगर कैल्शियम देखा जाए तो वो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है जब वो पहुँचते हैं उस एज तक जब वो मेनोपॉज में जस्ट एंटर करते होते हैं फोर्टी फाइव ईयर्स तक आदमियों में क्या होता है थोड़ा कैल्शियम ज़्यादा होता है इट इज़ अबाउट डेढ़ किलो होता है उसकी एक एवरेज बॉडी में और वो सबसे ज़्यादा होता है उसकी एज जब ऑलमोस्ट अबाउट पचास साल तक जब उनकी उम्र रहे तब वो सबसे ज़्यादा रहता है दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आप ग्राफ में देखेंगे कि वीमन में क्या यानी स्त्रियों में कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है जब वो 45 साल के ऊपर होते हैं यानी पैंतालीस छियालीस पचास जैसे 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 उम्र बढ़ती है कैल्शियम का जो अमाउंट है उनकी बॉडी में वो कम होने लगता है इसीलिए सबसे ज़्यादा स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा पाया जाता है आदमियों भी, भी पाया जाता है लेकिन आदमियों का अगर ग्राफ ऊपर वाला जो ब्लू वाला है वो आप अगर देखेंगे ब्लू एरिया तो 45 के साल के बाद 50 साल के बाद में कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे कम होती है बट वो बहुत धीरे धीरे कम होती है ऐसा नहीं कि वीमेन में जैसा वो जल्दी फटाक से नीचे आ जाएगा ग्राफ कैल्शियम की कमी बहुत महसूस होगी इसीलिए हम कहते हैं कि कैल्शियम बहुत नीडेड है वीमेन के लिए पर्टिकुलरली पोस्ट मेनोपजल एज में दैट इज़ दैट मीन्स 45 साल की उम्र के बाद इसीलिए उनके लिए तो ये कैल्शीडी मैक्स भी बहुत ज़रूरी है हमारे पास दूसरा भी प्रोडक्ट है वीमेन के लिए खास करके जो ऑस्टियो स्ट्रांग है उसके बारे में बाद में बात करेंगे बट एक सवाल हमेशा लोग मुझे पूछते हैं कि सर पोस्ट मेरोपॉजल अगर वीमेन ने ऑस्टियो स्ट्रांग लेना चाहिए कि कैल्सी डी मैक्स लेना चाहिए तो मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रांग में उनको ईस्ट्रोजन्स में मिलते हैं फाइटोस्ट्रोजन भी मिलते हैं बिकॉज वो भी ज़रूरी है उनके लिए बिकॉज अभी ईस्ट्रोजन खत्म हो गया 45 साल के बाद में जब मेनोपॉज शुरू हो गया तो फाइटोस्ट्रोजन भी मिलते हैं और कैल्शियम भी मिलता है लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए कि कैल्सीडी मैक्स दिन में एक खाओ और ऑस्टिओस्ट्रॉन्ग सुबह एक और रात को एक खाओ तो उनके लिए बोन मिनरल डेंसिटी बरकरार रहेगी आदमियों ने और बाकी सब लोगों ने कैल्सीडी मैक्स खाना चाहिए बाकी उनको दूसरी कोई चीज़ की जरूरत नहीं है आइए कुछ जानते हैं बोन बेसिक्स क्या है अब बोन्स बेसिक्स का अगर हम देखा जाए थोड़ा बहुत तो बोन्स करते क्या है वो सपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी को ताकि हम चल फिर सके आसानी से मजबूती के साथ में और बोन्स से आपको रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन बोन्स के थ्रू होता है दैट इज हाउ बोन मैरो जिसको हम कहते हैं वहाँ से आर भी निर्माण होता है इसलिए बोन का बहुत वाइटल इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में ये एक स्ट्रक्चर दिखाया आपको एक जिसको वर्टिकल सेक्शन एक आ, आ, बताया गया है कि जहां आप देखोगे जो वाइटिश पोर्शन है जो बाहर का जो जहां कटा हुआ जो लेफ़्ट साइड में आप फिगर में देख रहे हो जो व्हाइटिश पोर्शन है वो है बड़ा स्ट्रांग कॉम्पैक्ट बोन यानी जिसमें सारा परफेक्ट है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट लेकिन वो जो दूसरा भाग आप देख रहे हो जो बीच बीच में रेड एंड वो ऐसे होल्स जैसे दिख रहे हैं वो है पोरस बोन्स पोरस बोन्स मतलब क्या है कि मिनरल डेंसिटी वहाँ कम हो गई कम हो गई मतलब अगर आम भाषा में कहा जाए तो जिसको बोन को हम कहते हैं ना कि हड्डी कमज़ोर हो जाना हड्डी एकदम खोखली हो जाना और जब अंदर से जब मजबूती नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसीलिए आप देखोगे कि फ्रैक्चर यानी कोई भी छोटा सा भी एक फॉल हो जाए गिर जाए फट से फ्रैक्चर हो गया बड़ा एक्सीडेंट होने की जरूरत नहीं है बड़ी छोटी छोटी फ्रिक एक्सीडेंट में भी बोन्स फटाक से टूटते हैं जब आप ओल्ड एज की तरफ जाते हो दैट मीन्स वो बोन काफ़ी अभी खोखला हो गया है पोरस हो गया है अब लाइफस्टाइल से रिलेटेड तो हम काफ़ी सारे चीज़ें देखते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज की वजह से काफ़ी सारे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते वगैरह लेकिन लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इफेक्ट आपके बोन हेल्थ पे पड़ता है अब जैसे कोई फैक्टर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं जिनकी सीडेंटरी लाइफ है यानी बोन्स को तकलीफ़ ही नहीं देते जहाँ जाते हैं बैठ जाते हैं जो काउच पोटैटो जिसे बोलते हैं ना टी वी पर देख रहे हैं बस बैठे हुए हैं आराम से लेटे हुए देख रहे हैं कुछ एक्टिविटी ही नहीं है तो ये एक्टिविटी जब नहीं रहती है तो वो भी बोन हेल्थ के आपके अफेक्ट करती है धुब्रपान स्मोकिंग स्मोकिंग भी एक कारण माना गया है कुछ सर्वेज़ में क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रूव किया है कि जब जो स्मोकर ज़्यादा होते हैं उनके बोन्स जल्दी ही गलना शुरू हो जाता है अल्कोहल कंजम्पशन ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल लेना अल्कोहलिक होना नहीं बोलता हूँ मैं बट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लेना हमेशा आदत रखना उस तरह की वो भी बोन हेल्थ को आपके असर करती है डाइट की तो इम्पोर्टेंस हम सब जानते ही हैं कि अगर हमारे खाने खान पान में अगर कैल्शियम रिच नहीं है डाइट तो ऑब्वियसली बोन हेल्थ अफेक्ट होगा और और भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं और हार्मोनल फैक्टर्स है जैसे मैंने कहा पोस्ट पोस्टमेनोपल जब ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन वीमेन में निकल जाता है आ, उनकी पैंतालीस छियालीस साल के बाद में तब वो भी अफेक्ट करता है आपकी बोन हेल्थ को यानी लाइफ और हारमोनल फैक्टर्स जेनेटिक फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बोन मिनरल डेंसिटी में यानी बोन की अच्छी हेल्थ रखने में बोन हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अच्छा कैल्शियम मिले जो डेली लेना है और जो आपकी बोन हेल्थ को अच्छा मेंटेन कर सके इसलिए वही हेल्थ सप्लीमेंट लेनी चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर कैल्शियम मिले कैलसीडी मैक्स एक ऐसा फॉर्मूला सेमीडायरेक्ट कैलसीडी मैक्स जो सारी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपको देते हैं और आपकी बोन हेल्थ को बहुत अच्छा और तंदुरुस्त आपको रखने में मदद करता है वन बाय वन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है और वो हमें किस तरह से लाभ देते हैं जैसे कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। अभी आप कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट कोई भी कम से कम मैंने तो नहीं देखी मार्केट में अपने कैल्सी, अपने कैल्सिडी मैक्स के अलावा जिसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट दिया हो अब कैल्शियम सिट्रेट मैलेट क्या है ये एक न्यूट्रिएंट डेंस कैल्शियम सप्लीमेंट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं और उसके दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट uh, है जिसका है बोलते सिट्रेट और मैलेट यानी जैसे कैल्शियम सिट्रेट मैलेट कैल्शियम सिट्रेट फॉर्म में मैलेट भी उसके साथ में मिला हुआ है दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट वाटर सोल्यूबल कैल्शियम अभी वाटर सोल्यूबल कैल्शियम मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि जो हमने जैसे वो कैल्शिय डी मैक्स लिया वैसे वो जल्दी उसमें अपने इसमें घुल जाता है पानी में घुल जाता है और जब वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में हो तो उसकी एब्सॉब्शन भी सबसे ज़्यादा होती है और उसका अपने को सही मानों में लाभ मिलता है दैट इज़ वाई यू नीड अ प्रोडक्ट विच इज़ हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर सोल्यूबलिटी और कैल्सी कैलसीडी मैक्स में हमारा जो सी सी एम है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट ये सबसे ज़्यादा वाटर सोल्यूबल करके पाया गया है आप अगर मार्केट में देखोगे जो मैं मार्केट की सप कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बात कर रहा था उसमें आप देखोगे कोई भी फॉर्मूला उठा के देखिए उसमें आ कैल्शियम कार्बोनेट होगा कैल्शियम फॉस्फेट होगा या कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा ये सारे जो इन्ग्रेडियंट्स हैं क्या ये सब खराब है खराब है नहीं बोलूँगा लेकिन वो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट से बहुत कम एबसॉर्ब होते हैं और उनकी जो इफेक्टिविटी है बायोलेबलिटी है वो हमेशा ही क्वेश्चनेबल होती है तो कुछ तो मात्रा मिलेगी लेकिन उतनी नहीं जितनी हमारी डी मैक्स में कैल्शियम सिट्रेट मैलेट के द्वारा मिलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप नोट करते जाइए और यही आपको कहना है जब आप इस प्रोडक्ट के बारे में किसी से बात करते हो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट की बायोवेलेबिलिटी जो मैं तभी से जिक्र कर रहा हूँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि ये कैल्शियम सॉल्ट जो है वो हमारे सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड के साथ में जो मिक्स करते हैं तो उसकी तरह से हमको मिला हुआ है इसीलिए ये मोस्ट बायो अवेलेबल है बायो अवेलेबल अभी तक तो हमारे कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको मालूम है कि वॉट इज़ बायोलेबिलिटी बायोलेबिलिटी मतलब हमारा कैल्शियम बोन तक पहुँचेगा उसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी हमारे शरीर को और उसका हमें सही मानों में लाभ मिलेगा इसीलिए हमारा हर एक इंग्रेडिएंट जो होता है वो हम देखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल हो बाकी सारे भी इंग्रेडिएंट देखेंगे तब आपको ये मालूम होगा विटामिन डी दूसरा इंग्रेडिएंट जो कैलसी डी मैक्स में है विटामिन डी अभी अभी बहुत सुर्खियों में आया है गए चार पाँच सालों में हम सारी पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिसमें हम आर देखते हैं हीमोग्लोबिन देखते हैं हमारा ब्लड ग्रुप देखते हैं और काफ़ी बैक्टीरिया कितने हैं क्या है इन्फेक्शन हो तो वो सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन विटामिन डी थ्री कभी अभी तक ज़्यादा सुर्खियों में नहीं था और इसकी टेस्टिंग भी नहीं होती थी लेकिन अभी इसका महत्व इतना सब लोग जान गए हैं कि विटामिन डी थ्री की लेबोरेटरी में बाकायदा आपको एनालिसिस करके मिलेगी जब आप, आपका ब्लड सैंपल दोगे आपको विटामिन डी थ्री कितना है ये भी मालूम पड़ेगा पाया गया है कि भारत में करीब करीब 70 प्रतिशत पॉपुलेशन जो है 70 प्रतिशत जनसंख्या कैल्शियम सॉरी विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंट है यह बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि विटामिन डी थ्री जो है वो हमको मिलता है सन आ, सनलाइट की वजह से और इत हमारे कंट्री में तो सनलाइट की कोई कमी नहीं है जहाँ पे जहाँ सन कम होता है जैसे कोई यूरोपियन देश है कोई कुछ पार्ट ऑफ अमेरिका है जहाँ पे ज्यादा आपको नहीं मिलता है सनलाइट इतना तो जितना जब इतना सारा सनलाइट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली विटामिन डी थ्री की उनकी डिफिशियंसी हम समझ सकते हैं लेकिन हमारे देश में इस तरह की डिफिशियंसी पाना बड़ा नामुमकिन सा पहले लगता था लेकिन मिड ईस्ट में भी देखेंगे आप तो वो उधर में भी बहुत सारा सूर्य प्रकाश तो है ही लेकिन वहाँ पे भी विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी बहुत बहुत पाई गई है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको विटामिन डी थ्री आवश्यक मात्रा में मिले क्योंकि विटामिन डी थ्री जब रहेगा तब कैल्शियम के में भी अपने को उसकी मदद मिलती है कैसे हम देखेंगे आगे जाके अभी देखो विटामिन डी थ्री की इनसफिशिएंसी क्यों होती है और ये क्या अफेक्ट करती है अपने अपने इम्यूनिटी में अफेक्ट करती है हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है जब विटामिन डी थ्री कम हो तो रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो जाती है कार्डियोवस्क्युलर हेल्थ यानी कि हमारे हृदय स्पंदन और बाकी जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं उसके लिए भी वो अच्छा नहीं है विटामिन डी थ्री होना आवश्यक है बाद में डायबिटीज़ में विटामिन डी थ्री का बहुत इंपॉर्टेंस है कैंसर्स में पाया गया है कि विटामिन डी थ्री डिफिशेंसी ऑल्सो लीड्स टू सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स और इसीलिए ये जो विटामिन डी थ्री है जो फैट सोल्यूबल विटामिन है दो टाइप के विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं या वाटर सोल्यूबल होती है फ़ैट सोल्यूबल कौन से विटामिन ए डी ई के वगैरह बाकी सारे बी वन बी टू बी सिक्स बी ट्वेल्व वगैरह बाकी जो भी सारे विटामिन है वो सब वाटर सोल्यूबल है विटामिन डी थ्री फैट सोल्यूबल है इसका मतलब है कि ये विटामिनस जो फैट सोल्यूबल है हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं और ये स्टोर होते हैं वो अपना फ़ायदे अपने फ़ायदे के लिए है बात है वो तो वो स्टोर होने चाहिए इसीलिए हमको एक एडिक्वेट मात्रा में सनलाइट हर रोज़ लेना बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं कि आ, दो तीन घंटा सूरज में एकदम खड़े रहो ऐसी बात नहीं है लेकिन इतना भी सूरज से ना बचो कि जैसे हमको कोई हमारे स्किन पे कोई आ, सूर्य प्रकाश ही ना पड़े यानी जैसे सनलाइट से बचते रहते लोग काफ़ी सारे अभी आज आप आजकल देखते होंगे सिटीज़ में सारे अपने आप को पूरी तरह से ढक के लड़के और लड़कियाँ भी जो मोटरसाइकिल चलाते हैं स्कूटर चलाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ऊपर में सनलाइट ही ना पड़े बट थोड़ा बहुत सनलाइट लेना आवश्यक है ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस शुरू होती है इसलिए सनलाइट इज़ इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन डी थ्री विटामिन डी और बोन हेल्थ का क्या संबंध है बहुत ज़्यादा अभी आजकल ग्रोइंग इंटरेस्ट है सब जगह में और पाया गया है कि हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए विटामिन डी थ्री बहुत आवश्यक है और मस्क्यूलो स्केलेटल यानी अभी अब जैसे आपको मैंने वो पिक्चर दिखाया जहाँ आधी आधा शरीर था सिर्फ स्केलेटन और आधा शरीर जो था उसमें मसल्स भी थी तो मसल्स और स्केलेटन ये दोनों के प्रॉपर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम एब्सॉप्शन के लिए विटामिन डी थ्री इसलिए विटामिन डी थ्री अपने प्रोडक्ट में है और एक बात पाई गई कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म थायराइड तो आपने सुना है जो वैसे ही होता है पैराथायरॉयड तो सेकेंडरी पैराथायराइडिज्म भी होता है अगर आपकी विटामिन डी की आप में कमी हो बोन लॉस होता है मसल्स वीक हो जाते हैं और थोड़ा भी गिर जाए तो फ्रैक्चर होना जैसे मैंने कहा ओल्डर पीपल दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स वेन दे जस्ट टेक अ स्मॉल फॉल ऑल्सो दे विल इमीजिएटली गेट इट गेट अ फ्रैक्चर क्योंकि अंदर में बोन मिनरल डेंसिटी एकदम कम हो गई है और ये चीज़ विटामिन डी थ्री जब होता है तो वो कैल्शियम में और बाकी सारे इन्ग्रेडियंट्स को मदद करता है बोन हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए तीसरा इन्ग्रेडियंट अपने प्रोडक्ट में है जिंक मोनोमेथियोनिन अभी जिंक कौन से फॉर्म में देना चाहिए आप एक वन बाय वन अगर आप देखो तो आप देखोगे कि अपना हर एक प्रोडक्ट इस तरह से बनाया गया है कि सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐसे हैं जो मैक्सिमम बायो अवेलेबल हो जैसे जिंक स्पेसिफिकली अगर मेथियोनिन फॉर्म में हो तो उसकी सबसे ज़्यादा बायो होती है ये सारा जो रिसर्च है ना ये जो हमारी आर है उसमें 120 साइंटिस्ट के ऊपर जो साइंटिस्ट है ऑल लेड बाय डॉक्टर मजीद और ये सारे लोग इसी तरह से इसी काम में लगे रहते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स दिए जाएं वो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल हो इसीलिए आपको जो जिंक मिलता है वो जिंक बायो अवेलेबल है मार्केट में आप जाके देखोगे मैं हमेशा मार्केट का जिक्र आपको इसलिए करूंगा क्योंकि अपने को कॉम्पिटिशन नॉकआउट बहुत ज़रूरी होता है जब कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो उसमें हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है और दूसरे के प्रोडक्ट में क्या है और हमारे प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स उनके इंग्रेडिएंट्स से जब कंपेयर करते हैं तो आपको दिखेगा कि वो सारे प्रोडक्ट्स में जिंक एसिटेट या जिंक कार्बोनेट इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो कि बहुत कम एप्सॉब होते हैं और कम एप्सॉप्शन हुआ तो कम बायो अवेलेबल होते हैं तो इसीलिए जिंक जो है जिंक मोनोमेथियोनिन या बहुत ही कम फॉर्मुलेशंस में जो दूसरों के हैं मार्केट में उसमें आप पाओगे बट कैल्सिडी मैक्स हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है हमने एकदम सही मात्रा में और सही सॉल्ट जिंक का इसमें यूटिलाइजेशन किया है जिंक मोनोमेथियोनिन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये सेल मेटाबॉलिज्म पे बड़ा उसका इन्फ्लुएंस होता है और वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म जिसमें बोन टिश्यू में सबसे ज़्यादा उसका फायदा होता है और वो बोन मिनरल डेंसिटी रखने में प्रॉपर बोन मिनरल डेंसिटी रखने में बहुत कारगर होता है अभी जेड एम एम इज जिंक मोनो मेथियोनिन और बोन हेल्थ का दोनों का क्या संबंध है अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं वो एकदम एक छोटी सी स्लाइड में उसको सारा समराइज कर दूंगा आपको देखा, समझने के लिए बट अभी ये देखो बोन मेटाबॉलिज्म में यानी बोन का फॉर्मेशन होना बोन की अच्छी हेल्थ रहना वगैरह उसमें जिंक की यूटिलाइजेशन बहुत इसेंशियल है यह ध्यान में रखिएगा दूसरा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स यानी बोन का जो सारा मैट्रिक्स है जो मैंने एक फिगर आपको पहले बताई जो जब वर्टिकल सेक्शन निकाल के तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोन मैट्रिक्स में प्रोटीन्स ट रिक्वायर एडिकुएट अमाउंट ऑफ जिंक फॉर देर ऑप्टीमल फंक्शन यानी जो वहां प्रोटीन्स होते हैं उसकी फंक्शन के लिए प्रॉपर जिंक का होना बहुत आवश्यक है और वही अपना प्रॉपर जिंक है जिंक मोनोमेथियोनिन अभी जिंक जो है वो एक को फैक्टर के तौर पर काम करता है ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के लिए अभी ऑस्टियोब्लास्ट क्या है यह मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड में बताऊंगा ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखिए बाद में मैं डिटेल में बताता हूं तो बोन फॉर्मेशन में ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और उसमें जिंक का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है देखिए बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज की है जिसमें पाया गया है कि जिंक का और बोन मिनरल डेंसिटी का संबंध क्या है और दूसरा अभी एक और एक यहां पे वर्ड आ गया जो आपको दिखाएगा जो बोलेगा टी जी एफ बीटा वॉट इज़ टी जी एफ बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर उसका भी हम अगले स्लाइड में उसका एक्सप्लेनेशन देंगे अभी दो चीज़ें होती है जो बोन फॉर्मेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अभी इमेजिन करिए कि हर रोज़ आपका बोन तैयार हो रहा है नया नया बोन हो रहा है बड़ा बड़ा हो रहा है तो लेकिन हमारी हाइट तो उतनी तो नहीं रहती ना कि हम 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक पहुंच जाए क्यों होता है कि एक ऑप्टिमल बोन की ग्रोथ होना और उसके बाद में दूसरे जो बोन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं उसको कम करना ये दोनों का जब बैलेंस होता है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट अब ये तीसरी टर्मिनोलॉजी आ गई ऑस्टियोब्लास्ट आपको बोला नया बोन फॉर्मेशन में ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए बोन को कम करने में ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होती है वो ब्रेक डाउन करती है इसीलिए हमारी हाइट कैसे कि मेंटेन्ड होती है आफ्टर एक आप सोलह सत्रह साल के बाद में हमारी तो हाइट तो नहीं बढ़ती है वो बट बोन्स तो फॉर्मेशन और बोन्स का ब्रेकडाउन uh, ये दोनों भी चलते रहता है तो ये दोनों का संतुलन बड़ा आवश्यक है और ये ऑस्टियोब्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बिकॉज वो नया बोन फॉर्मेशन में मदद करता है और ये आता कहाँ से ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोप्रोजेनेटिर सेल से अभी ज़्यादा उसमें डिटेल में मत जाइए सिंपली इन सिंपल फॉर्म वॉट उसको ये कहते हैं कि इमेच्योर सेल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियो ऑस्टियोप्रोजेनेटर इसको अगर तीन में आप भागों में इसको टुकड़े में डाल दिया जाए तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन प्रोजेनिटर यानी जेनेसिस जहां से वो आएगा यानी इमेच्योर सेल है जब वो मैच्योर बन जाते तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्शन होता है ना प्रोजेनिटर सेल से ऑस्टियोब्लास्ट में ये स्पेसिफिक केमिकल उसको सिग्नल चाहिए जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर जिसका हमने अभी अभी जिक्र किया था ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा अब जब ये टीजीएफ बीटा एक्टिवेट होता है तो तभी ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसका मैं ये एक छोटी सी स्लाइड में आपको बताता हूँ जिंक करता क्या है टी बीटा को एक्टिवेट करता है आपको याद होगा मैंने मैं कई बार दूसरे कुर्कुमिन के टाइम में भी बाकी एन एफ के वगैरह के बारे में फैक्टर्स के बारे में बोलता हूँ बट इसमें आज हम टी जी एफ बीटा की बात करेंगे बहुत सिंपल है टी जी एफ बीटा को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए जिंक सही जिंक जो हमारे सही जिंक है जिंक अभी TGF बीटा हो गया एक्टिवेट वो क्या करेगा इमेच्योर सेल्स को मैच्योर सेल में कन्वर्ट करेगा आप देख रहे हो अभी जिंक का रोल आपके बोन फॉर्मेशन में कितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही जैसे मैंने आपको परसों यानी सात तारीख को बताया था कि हर एक बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें उस एंजाइम उस के एक्टिविटी के लिए कोई मिनरल की जरूरत होती है सिमिलरली आपके बोन फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल की जरूरत होती है वो है जिंक और सही जिंक है जिंक मोनोमेथियोनिन हमारा रिसर्च लैब्स का रिसर्च जो हमारे इस प्रोडक्ट में है जिसके वजह से टीजीएफ बीटा एक्टिवेट होता है और वो इमेच्योर सेल को मैच्योर सेल में कन्वर्ट करता है यानी जब ऑस्टियोब्लास्ट अल्टीमेटली रेडी हो जाए तो नया बोन फॉर्मेशन होता है ये क्लिनिकल स्टडीज़ है मेन में कि जब आपको जिंक जिंक की मात्रा सही मात्रा में अगर उस फॉर्मूलेशन में है हेल्थ सप्लीमेंट में है तो वो बोन के हेल्थ में आदमियों में कैसे उसको मदद करता है और एक क्लिनिकल स्टडी है जहाँ पे स्त्रियों में अगर जिंक प्रॉपर मात्रा में लिया जाए तो उनकी भी बोन हेल्थ में कैसा फ़ायदा करता है वो भी यहाँ क्लिनिकल स्टडी लिखी हुई है आप वो उसको देख सकते हो सीरम जिंक जब ऐड किया जाए जब वो ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली आपकी बोन हेल्थ अच्छी होती है यहां एक और एक क्लिनिकल ट्रायल जो ग्राफिकल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है कि पोस्ट मेनोपोजल वीमेन में ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में जिंक कितना कारगर होता है दिस इज द क्लिनिकल ट्रायल विच शोज दैट अभी हमने तीन इंग्रेडिएंट अभी तक देख लिए हमारे कैलसीडी मैक्स में कौन कौन से हैं एक है कैल्शियम सिट्रेट पैलेट दूसरा है विटामिन डी थ्री तीसरा हो गया जिंक मोनो, मेथियोनिन और चौथा है हमारा मैजिक मैं हमेशा उसको मैजिक कहता हूँ क्योंकि यही है मैजिक जो हमें दूसरे प्रोडक्ट से भी अलग करता है क्योंकि बायोपेरिन सारे उन इंग्रेडिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी और बढ़ाने में बहुत मदद करता है ये तो अभी तक आप जान ही गए होंगे बायोपेरिन हमारा पाइपर नाइग्रम से लिया गया है ब्लैक पेपर से और इसके ऊपर हमारे सारे पेटेंट भी हैं तो बायो अवेलेबिलिटी बायो अवेलेबिलिटी का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ जब मैं आपसे मिलता हूँ या आपकी मीटिंग्स में आता हूँ कि इसको अगर हमने तोड़ा ना दो तीन शब्दों में फिर से तो बायो ये वर्ड आता है ग्रीक वर्ड से जिसको कहते हैं बायोस बी आई ओ एस बायोस का मतलब होता है लाइफ और अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी फॉर लाइफ और लाइफ हमारा क्या है सेल्स ऑफ द बॉडी जो परसों के सेमिनार में मैंने कहा every cell and the colony of cells in the form of colony of cells it constitute your body to har ek cell mein yani jo hamara life hai wo cell ke wahan jo ingredient available ho sahi matra mein tabhi hum usko kehte hain ki bioavailability bahut sahi hai isi ka matlab hai that is why and it happens due to thermogenesis जो हमारा बायोपेरी uh, create करता है और उसकी वजह से बाकी सारे ingredients की bioavailability बढ़ जाती है तो दिस इज़ द मैजिक दैट आई ऑलवेज रेफर टू यहाँ पे सेलेनियम के कनेक्शन में जब सेलेनियम के साथ में बायोपेरिन ऐड किया गया तो कैसे बायोलेबिलिटी बढ़ गई वो क्लिनिकल ट्रायल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दूसरे ये और इंग्रेडिएंट्स जिसके साथ में बायोपेरिन डालने के बाद क्या हुआ वन विदाउट बायोपेरिन वन विद बायोपेरिन विटामिन बी सिक्स की तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं हमारे बायोपेरिन के साथ में बाकी तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ में जब हमारा कैल्सीडी मैक्स बनता है अभी कैल्सिडी मैक्स इट गोज विदाउट सेइंग कि कैल्सिडी मैक्स हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन हेल्थ सप्लीमेंट है अभी कैल्शियम हमारा सही कैल्शियम है कैल्शियम सिट्रेट पैलेट में तो कैल्शियम बोन हेल्थ के अलावा कई सारे और अपने को बेनिफिट देता है उसको हम कहेंगे ट्रिकलिंग बेनिफिट्स ऑफ कैल्शियम अब ये ट्रिकलिंग बेनिफिट्स ऑफ कैल्शियम क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम आप हमेशा देखेंगे एंटासिड्स में प्रेजेंट होता two, है यानी इट आल्सो एक्ट्स एज अ एंटासिड नंबर टू स्टडीज भी दिखाई गई हैं कि जब कैल्शियम हमारी बॉडी में सही मात्रा में हो तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है यानी ये बोन हेल्थ के अलावा जो हमको और बेनिफिट्स मिल रहे हैं कैल्सिडी मैक्स के ये यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं दूसरा और कुछ स्टडीज है जिन्होंने प्रूव किया है कि जब कैल्शियम मात्रा कम हो जाती है तो कुछ कैंसर्स भी होने की संभावना बढ़ जाती है तो उसमें भी प्रिवेंशन में काम आ गया और ट्रिकलिंग बेनिफिट्स देखेंगे कि न्यूरो में और बाकी सारे जो सेल सिग्नलिंग पाथवेज हैं अभी ये सिग्नलिंग पाथवेज न्यूरो ट्रांसमिशन ये क्या है सिंपली सिंपल भाषा में बताऊं, तो अगर हमें कोई थोड़ा सा दूर जाके एक अपना पानी का गिलास उठाना है तो आपके दिमाग में आ गया कि मेरे को पानी का गिलास उठाना है वो उस टेबल पे रखा है तो आप क्या करते हो खड़े हो जाते हो वहाँ चल जाते हो और पानी का गिलास उठा लेते हो ये ये यानी आपकी एक इच्छा हुई आपने देखा ब्रेन ने सिग्नल पकड़ा और आपकी मसल्स और स्केलेटन इस तरह से चले कि आप पानी लेके आए यही है, है न्यूरो और कुछ नहीं है सिंपल सी चीज़ वही है देन दूसरा है इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड टू हेल्प और कुछ चीज़ों में वो हेल्प करती है जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन सी चीज़ में आप सबसे ज़्यादा देखोगे सिंपल सिंपल भाषा में अपना हार्ट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है तो कॉन्ट्रैक्शन में अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ आपका हार्ट तो क्या हो जाएगा हम राम नाम सत्य है हो जाएगा तो इसीलिए यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन का होना ज़रूरी है इसी तरह से बॉडी के बाकी मसल्स भी हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट रिदम को मेंटेन रखता है कैल्शियम प्रॉपरली यानि जैसे हमारी आ, पल्स जो है ना कि पर मिनट हमारा करीब करीब हार्ट जो है हेल्दी हार्ट अबाउट सेवेंटी टू टू सेवेंटी फाइव टाइम्स इन अ मिनट वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है दैट इज़ अवर पल्स रेट तो उसको प्रॉपर रखना बढ़ गया तो ज़्यादा तकलीफ़ कम हो गया तो भी तकलीफ तो उसको मेनटेन रखने में बहुत बड़ा उसका फ़ायदा होता है दूसरे कुछ हार्मोन्स के रिलीज़ में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है अभी कैल्शियम के आपने बोन हेल्थ के अलावा जो बेनिफिट्स हमारे शरीर को मिलते हैं वो देखें अभी हम देखते हैं कि ट्रिकलिंग बेनिफिट्स ऑफ जिंक क्या है यानी हमारे प्रोडक्ट में जिंक मोनो, मोनोमेथियोनिन भी है तो जिंक के भी हमें और क्या फ़ायदे मिलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉमन कोल्ड्स यानी जो बोलते हैं ना हम सर्दी बार बार सर्दी होना थोड़ा मौसम बदल गया सर्दी हो गई थोड़ी ठंड लग गई सर्दी हो गई बारिश में थोड़ा भीग के आए सर्दी हो गई ये जो सारे कॉमन कॉमन कोल्ड जो है ना जो नॉर्मल चीज़ें होते रहती है ये भी जब जिंक सही मात्रा में हो तो इसको हम अवॉइड किया जा सकता है इसका मतलब यह नहीं कि जिंक खा लो तो आपको कभी सर्दी नहीं होगी हो सकती है बट उसका कहने का मतलब है टू अवॉइड ऑल दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमारे बॉडी में सही न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप अगेन गो बैक टू माय बेसिक्स जो पहला वाला हमने जो क्लास लिया था उसमें बोला था कि कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते रहती है सिमिलरली ऐसे 300 एंजाइम है अपने बॉडी में यानी ऐसी 300 रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें जिंक का होना बड़ा आवश्यक है यानी अगर जिंक ना हो तो वो 300 बायो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस अफेक्ट होगी और वो अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली वो जो जहां बायोकेमिकल रिएक्शन वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए हो रही है वो अफेक्ट होगा डिसऑर्डर वहाँ क्रिएट होगा इसीलिए इमेजिन कि हाउ मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड अगर आपके बॉडी में जिंक प्रॉपर मात्रा में नहीं हो तो जिंक का यही इंपॉर्टेंस है मेटाबॉलिज्म जो प्रोटीन्स का होता है कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और लिपिड्स का होता है यानी फैट्स इन सारी मेटाबॉलिज्म में जिंक का बहुत, बहुत बहुत बड़ा रोल होता है सो अपार्ट फ्रॉम बोन हेल्थ दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट एडिशनल बेनिफिट्स दैट यू गेट वेन यू टेक कैल्सीडी मैक्स और ट्रिकलिंग बेनिफिट्स क्या है फिजियोलॉजिकली हम बोलते हैं कि जिंक बहुत वाइटल है किसके लिए हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए सारी की सारी हेल्दी सिस्टम होनी चाहिए उसके लिए देन इंसुलिन स्टोरेज और रिलीज इंसुलिन कहाँ स्टोर होता है हमारा पैनक्रियाज में और उसका स्टोर प्रॉपर होना उसका रिलीज़ होना जैसे हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होना चाहिए ये जो सारी एक्टिविटी है इसमें भी जिंक का बहुत बड़ा रोल है कॉग्निशन यानी हमारी मेमोरी हमको याद आना हमारी याददाश्त को ठीक रखना उसमें भी जिंक का रोल है और भी रोल है जैसे सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी यानी क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो परसों मैंने दिखाया कि अगर सेल ही ना हो तो सेल कैसे रहेगा सेल ही नहीं रहेगा जैसे घर होता है घर में अगर दीवारें ना हो तो घर तो रहेगा ही नहीं ना सिमिलरली सेल भी नहीं रहेगा इसीलिए सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को रखना यानी उसको मजबूती से बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें भी जिंक का रोल होता है ऑफ कोर्स अनदर वन इज़ थायराइड फंक्शन आजकल थायराइड भी बहुत चर्चा में है हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ वेरी कॉमन जिसमें आप थाइरॉयड की कमी थाइरॉक्सिन की कमी बॉडी में होती है तो उसमें भी जिंक का बहुत बड़ा रोल है थायरॉयड फंक्शन में और ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है यानी जैसे जल्दी हमको कोई अगर जख्म हो जाए तो इमीजिएटली अगर हम हेल्दी है तो ब्लड क्लॉटिंग इमीजिएटली हो जाता है वो जो ज़ख्म है वो इमीजिएटली भर जाता है खून बहना बंद हो जाता है तो उसमें भी जिंक का एक बहुत बड़ा रोल है और बाकी इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी की बढ़ाने में जिंक का बहुत बड़ा हाथ है तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको जिंक के मिल रहे हैं

तो मेल हार्मोन जो है अपना टेस्टोस्टेरोन उसको हेल्दी रखने में जिंक का बहुत बड़ा रोल है अभी दो मैंने ट्रिकलिंग बेनिफिट्स आपको बता दिए दो इंग्रेडिएंट के एक है कैल्शियम के और दूसरे है थे जिंक के अभी विटामिन डी का देखा जाए कि इसकी ट्रिकलिंग बेनिफिट्स क्या है क्यों है देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट सेलेंट फीचर्स हैं जिसको हम जब कस्टमर को बोलते हैं और हम खुद भी कंज्यूम करते हैं तो हमको भी दिखता है कि हमको कितने सारे एडवांटेज मिलते हैं जब हम एक प्रोडक्ट लेते हैं मैक्स ले रहे हैं बोन हेल्थ के लिए लेकिन उसके अलावा हमको कितने सारे वो बेनिफिट दे रहे हैं विटामिन डी की डिफिशेंसी हो तो क्या होता है रिकेट्स जो चिल्ड्रेन में पाया जाता है उनमें हड्डियों का मतलब जो रोग होते हैं वो चिल्ड्रेन में पाए जाते हैं विटामिन डी ना हो तो विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑल्सो दिखाया गया है कि कुछ कैंसर्स में उसका बहुत रोल होता है अगर डेफिशिएंसी हो तो वो कैंसर्स हो सकते हैं स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर कोलोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर यानी इन चीज़ों को अवॉइड करने में विटामिन डी मददगार हो सकता है विटामिन डी के और भी कुछ आपको फायदे मिलते हैं जैसे माओपैथी मस्क्युलर पेन फटीक फटीक मतलब थकान थकान महसूस करना मस्कुलर वीकनेस यानी कोई ताकत ही नहीं रही ऐसा हम बोलते हैं ना कि कुछ भी आजकल वो उत्साह नहीं रहता ताकत ही नहीं रहती घर जाए काम पे से लौट जाए तो ऐसे पड़े रहते हैं जैसे मतलब कितना बोझ उठा के आए मसल्स काम नहीं करती हैं दर्द करती हैं तो ये सारी चीज़ों में विटामिन डी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसलिए विटामिन डी के आपको एडिशनल बेनिफिट ये सारे मिल रहे हैं जब आप कैल्सिडी मैक्स लेते हो क्लिनिकली भी ये प्रूव किया है विटामिन डी जैसे मैंने अभी 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 हमने देखा कि जिंक के एडिशनल क्या इंपॉर्टेंस अपने को मिला लेवल में सिमिलरली विटामिन डी भी हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को रखने में आदमियों में मदद करता है तो कैल्शियम इज ए वेरी वेरी वाइटल मिनरल लेट्स गेट बैक टू दैट स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी डायटरी कैल्शियम लार्जली सबसे ज़्यादा हमको मदद करता है अभी बोन फॉर्मेशन में यानी कौन सा अभी ये ऑस्टियोब्लास्ट देखिए कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है कि जब कस्टमर से बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो जब आप साइंटिफिक कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे ना तो वो भी समझता है कि आप इस चीज़ के जानकार हो क्योंकि कई बार आप लोग भी ये सवाल पूछते हो कि सर मैं किसी को बोलता हूँ प्रोडक्ट तो बोलता है कि तुम हो कौन यानी आप डॉक्टर तो हो नहीं तो कौन हो तो आप तो ज्ञानी हो इसीलिए इस तरह के इसीलिए हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम लोग सब ज्ञानी रहे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबको मिले कि हमारे प्रोडक्ट में क्यों आपको बोन फॉर्मेशन में क्यों कैसे मदद करता है ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ाता है तो ये सारी चीज़ें जब हम प्रॉपर एक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे ना तो उसका एक इफेक्ट अलग पड़ता है और स्केलेटन के स्ट्रेंथ को बहुत मजबूती देने में अपना कैल्शियम बहुत बहुत वाइटल होता है कैल्सीडी मैक्स में सो कैल्सीडी मैक्स एक यूनिक कॉम्बिनेशन इसका कहीं आपको दूसरी बाजार में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको कहीं भी इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा ये मेरी गारंटी है सही सही इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में सही फॉर्म में कैल्शियम दिया कौन सा दिया कैल्शियम सिट्रेट मालेट विटामिन डी थ्री दिया और जिंक कौन सा दिया जिंक मोनोमेथियोन फॉम फौर, मेथियोनिन फॉर्म में और बायोपेरिन वो तो कहीं किसी के पास है ही नहीं वो तो सिर्फ सेमी के पास है सो दे सपोर्ट बोन हेल्थ अगर आप इसका फॉर्मिला इज़ अवेलेबल इन दिस बॉटल अगर फॉर्मूला देखोगे तो कैल्शियम सिट्रेट पैलेट जो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है विटामिन डी मजबूती देता है जिंक मोनोमैथियोनिन आपके बोन फॉर्मेशन में मदद करता है और बायोपेरिन जो है वो आपको बायोवेलेबिलिटी साले इंग्रेडिएंट्स सारे इन्ग्रेडिएंट्स की बढ़ा देता है सजेस्टेड यूसेज क्या है इसका सिंपल है एक टैबलेट सुबह खाइए एक टैबलेट रात को खाइए ट्वाइस अ डे और जैसे मैंने वीमेन के लिए कहा पैंतालीस साल के पहले की उम्र है तो आप कैल्सिडी मैक्स ये इसी डोसेज में ले सकते हो इसी यूसेज में ले सकते हो एक सुबह एक शाम को और जो पोस्ट मेनोपोज वीमेन है उन्होंने स्ट्रांग लेना है सुबह और शाम को और दिन में दोपहर में कभी भी खाने के बाद में आप कैल्सिडी मैक्स भी ले सकते हो ताकि आपको दूसरी विटामिन डी भी मिले ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके खुद के होमवर्क के लिए दिए हैं और ये मैं हमेशा एक प्रोडक्ट के बाद में देते रहूंगा खुद को एक जिसको बोलते हैं ना एक रिव्यू रिविजन कि कौन सा फॉर्म का कैल्शियम हमारे प्रोडक्ट में कैल्सीडी मैक्स में है आप जवाब दीजिए जवाब रहेगा कैल्शियम कैल्शियम सिट्रेट मैलेट विटामिन डी थ्री इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि हमको ये सूर्य प्रकाश से मिलता है सन की वजह से मिलता है तीसरा जिंक कौन से फॉर्म में अपने कैल्सीडी मैक्स में है जिंक मोनोमेथियोनिन मोनोमेथियोनिन बहुत सिंपल वर्ड है लेकिन ज़रा टंग ट्विस्टिंग है इसको भी जरा थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए और एक दो कैल्शियम के जिंक के डी विटामिन डी थ्री के कुछ ऐसे ट्रिकलिंग बेनिफिट्स जो हैं वो अपने आप को याद करने की थोड़ी कोशिश करो ताकि जब आप कैल्सी कैल्सीडी मैक्स बोन हेल्थ के लिए है ऐसा जब आप किसी को बोलते हो तो उसको जब आप ट्रिकलिंग बेनिफिट्स भी दूसरे बोलते हैं तो उनको भी वो सुनने में भी अच्छा लगता है उनको मालूम पड़ता है कैलसीडी मैक्स मेरे को बहुत सारे बेनिफिट देता है अपार्ट फ्रॉम कीपिंग माई बोन हेल्थ राइट सो दिस वॉज कैल मैक्स फॉर यू थैंक यू वेरी मच आज यही ख़त्म करते हैं कैल मैक्स वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको जिसके साथ हमने प्रोडक्ट्स की शुरुआत की और हम अभी फिर मिलेंगे फ्राइडे को 11 बजे जैसे मैं पहले भी कहा कह चुका हूँ मंगलवार और शुक्रवार ग्यारह बजे हमारा लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा ये स्ट्रीमिंग तो आपने लाइव देखा होगा तो इसके बाद वो यूट्यूब में ऑटोमेटिकली स्टोर होगा तो अगर आप इसमें से कोई चीज़ आप नहीं पकड़ पाए तो आप फिर से उसको दोबारा देख सकते हैं प्रोडक्ट ऐसे पक्के करिए कि कन्विक्शन के साथ लोगों से बात करें कि हमारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स जो उसकी प्राइस है वो उसके ऊपर खरा उतरता है आपको सारे हेल्थ बेनिफिट देगा आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे फ्राइडे को शुक्रवार को ग्यारह बजे नमस्कार थैंक यू